हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लास्ट फिल्टर देखेंगे जो कि है आरसी फिल्टर, यानी कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन। अब इस फिल्टर में हम देख सकते हैं कि रेक्टिफायर को पैरेलल में सी यानी कि कैपेसिटर कनेक्टेड है और सीरीज में आर कनेक्टेड है। इस फिल्टर में जो एलसी फिल्टर के डिसएडवांटेजेस है वो ओवरकम करने के लिए एल के जगह पे आर लगाया हुआ है, यानी कि इंडक्टर के जगह पे रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। यहाँ पे जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो जो है वो 10 times लेस होता है रेजिस्टेंस से, यानी कि रेजिस्टेंस इज एटलीस्ट 10 times ग्रेटर दैन द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। रिपल इज अ ड्रॉप across the series resistor instead of across RL। यहाँ पे जो ripple drop होता है वो resistor के across होता है। Each section reduced the ripple by a factor of at least 10। Therefore, AC component are removed by this filter। अब एक हर एक R के जगह पे ripple जो है वो कम कम होते जाता है, यानी कि एटलीस्ट 10 के फैक्टर्स से कम होता है, 10 के मल्टीपल्स में कम होता है। इसीलिए एंड तक यानी कि लोड करंट तक आते आते जो एसी कंपोनेंट है वो ऑलमोस्ट रिमूव हो जाता है। दिस टाइप इज सूटेबल ओनली फॉर लाइट लोड, दैट इज स्मॉल लोड करंट लार्ज लोड रेजिस्टेंस। लाइट लोड के लिए ये टाइप का फिल्टर यूज़ करते हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है जो कि है पुअर वोल्टेज रेगुलेशन, क्योंकि ये बहुत लंबी चेन है, लॉस ऑफ डीसी वोल्टेज अक्रॉस ईच आर, रिक्वायर्ड एडिक्वेट वेंटिलेशन टू कंडक्ट अवे द हीट प्रोड्यूस्ड इन द रजिस्टर। यहाँ पे रजिस्टर की वैल्यू बड़ी होती है तो हीट भी ज़्यादा होती है, और ये ऑलमोस्ट 10 times रिपल रिड्यूस करता है, और उसी वजह से हमें प्रॉपर वेंटिलेशन की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। इस तरह से यह है आरसी फिल्टर की वर्किंग, और ये लाइट लोड के लिए यूज़ होता है, ये हमें ध्यान रखना है। अगर आपको इसमें कुछ डाउट्स या क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।